हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको दुनिया के बहुत सारे प्लेसेस। और जैसा कि हमारा टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वी हैव लेफ्ट नेदरलैंड्स, मगर इससे पहले कि आप कुछ और बात सोचें, हाँ, हम लोगों ने ऑफ कोर्स क्लिकबेट यूज किया है जस्ट फॉर फन, और हम लोगों ने नेदरलैंड छोड़ा है बट नॉट लाइक परमानेंटली हमने नेदरलैंड छोड़ दिया। We have left एक और ट्रिप कर रहे हैं और ट्रैवल तो ऐसा कुछ नहीं है, नेदरलैंड्स नहीं छोड़ रहे हैं, जस्ट फॉर फन किया है। तो हम है कौन सी कंट्री में? कैन यू गेस बाय लुकिंग दिस ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन आवर बैकग्राउंड? एंड अगर आपको आवाज आ रहा हो सी नहीं है, ओशियन है, इंडियन ओशियन की वेव्स का, तो हम है साउथ अफ्रीका में। और यही है हमारा पहला वीडियो, और शुरुआत करते हैं हमारे न्यू ट्रैवल सीरीज की, विच इज साउथ अफ्रीका का ट्रैवल सीरीज, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें, बहुत सारे अमेजिंग एनिमल्स देखने वाले हैं, और एक एपिक रोड ट्रिप भी होने वाली है। और ये सब ट्रिप हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बैक फ्रॉम तो नेदरलैंड्स में ही है और नेदरलैंड्स में ही रहने वाले हैं फ्यूचर में भी। सो लेट्स गो। टाइम हो रहा है 6:50 और रवि कैब का इंतजार कर रहे हैं, ऑल सेट। और यहाँ आज -3 degrees है, इसलिए ये और वहाँ जाते ही पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। हैप्पी। सबसे पहले अपना बैग इसके अंदर रखना है, जैसे सेल्फ चेक इन, कोई भी नहीं है काउंटर पर, खुद ही चेक इन करना है। Done with security और immigration, और सौरभ के पास कौन सा कार्ड है? MX का। MX का मैंने travel के लिए MX का कार्ड लिया था। Platinum कार्ड है, उसे इतनी जल्दी हो गया ना, I was like सौरभ ऐसा कुछ premium नहीं मिलेगा, आपको खड़ा ही होना पड़ेगा, but no we were here like inside in like 15 minutes में। Yeah, max 15 minutes, और इतना बड़ा queue था, हमने सबको cross कर दिया। Good Now job, we are good. heading to क्योंकि I was doubting सौरभ कि क्या है ये time pass, पैसे बर्बाद कर रहा, but no Now we are heading to launch. Yes, lounge. ब्रेकफास्ट नहीं किया तो करते हैं ब्रेकफास्ट। बड़े खुश हो रहे थे हम लोग, मतलब मैं कि सौरभ ने वो बुक किया है जिससे हम लोगों को प्रायोरिटी सब कुछ मिला, विच इज़ ट्रू, हमें मिला प्रायोरिटी, और उसके बाद हमें लाउंज एक्सेस मिलने वाला था, बट उसमें वेटिंग है, 38 वेटिंग थी, अब 20 है, बट अब 20 भी ख़त्म नहीं होगी, उससे पहले हमारा टाइम हो जाएगा फ्लाइट का। नेवर्थलेस हमने सोचा चलो फिर बाहर से ही ब्रेकफास्ट खाते हैं और बाहर से ही बैठे हैं। सुबह चाय नहीं पिया आज, लेट हो गए थे, लेट तो नहीं हुए थे, लेट जगे थे, आराम से जगे थे इसकी वजह से, बट अभी पीते हैं।
बार बहुत ही बड़ा वो हो गया है वो बता। स्टार्ट करते करते पहले हमको लाउंज में बैठने के लिए बहुत वेटिंग थी, अभी भी चल रही है हमारा, अभी भी फोर्थ है हम लोग वेटिंग और अब तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया, लाइक 15 मिनट्स में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, थर्ड थ्री है अभी भी, थ्री पीपल आर नाउ इट्स योर टर्न। मगर मगर बहुत दूर है यहाँ से वॉक करना, स्पीड में चालू। तो खुश हुई थी कि सौरभ भी कितना अच्छा काम किया है, बट हाँ फायदा तो हुआ फॉर आर सिक्योरिटी चेक एंड इमिग्रेशन, उसमें हम लोग फटाफट आ गए एंड देन ही वाज लाइक अब देख मेरा मैं तेरे को लाउंज में खिलाऊंगा। मगर वो तो छोटी सी बात थी, जो सबसे बड़ा इश्यू हो गया वो ये हो गया कि हमारे थेपला रह गए घर पे। हुआ क्या था कि कल वो थोड़े गर्म थे तो हम सोचा बाहर ही रख देते, बट वो वही रह गए, हमने सोचा सुबह उठ के रख लेंगे, वी फॉरगॉट अबाउट इट, तो हमारे थेपलास आर एट होम नाउ। थेपला हम लोगों का मेन स्टेपल ऑफ फूड था वहां पर, मतलब लंच हम पूरे थेपला खा लेंगे, 3-4 दिन तक चलेंगे और इनफैक्ट ज्यादा भी चल सकते थे। सो थेपलास दिस ट्रिप, तो अब देखते हैं क्या करते हैं, यू विल फाइंड आउट। कदम एक हमारी न्यू नई कंट्री पे विच इज साउथ अफ्रीका, और हम वेट कर रहे हैं हमारी होटल शटल का, हमारा होटल हमारे एयरपोर्ट के पास ही है और उनकी शटल सर्विस है, और वेट कर रहे हैं हमारा बच्चे का अफ्रीका साउथ अफ्रीका का पास, काफी लोग हैं आपसे पहले जो शटल पे जाना चाहेंगे। लॉन्ग जर्नी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, 11 आवर की हमारी लॉन्गेस्ट फ्लाइट अभी तक की। हां अभी तक लॉन्गेस्ट। तो हमने हमारी पता नहीं अपनी इंटेलिजेंट काम किया कि नहीं, हमारे बैग बैग में जा रहे हैं होटल की और हम यही है, वी आर ट्रस्टिंग अननोन सिनेरियोस, वी आर ट्रस्टिंग इसने कहा 5 मिनट में आ जाऊंगा, 5 मिनट में आ जाऊंगा, तो पीपल लाइक ठीक है। बाकी सारे फैमिली संग साथ किड्स थे तो वो कहाँ रहते हैं, अभी हम दोनों ही बच गए जो उसमें फिट नहीं हो सकते, बट हमारी बैग गए। एंड यू हैव पार्किंग, अगर आप उबर बुलाएं या कोई भी टैक्सी बुलाएं तो आपको यहाँ पार्किंग में मिलेगी, P2 में, P2 पर। So we are waiting, हमारी शटल आएगी कि नहीं, हमारे बैग सेफ होंगे कि नहीं। 10 मिनट हो गए, बड़ी हंसी आ रही है मुझे, 5 मिनट बस है तो 5 मिनट हो गए। अब गाड़ी के अंदर बैग पैक हो गए थे तो उसको बोलते हैं निकालो, फिर देर लगती बाकी लोगों को भी, तो हमने कहा ठीक है चलो, लिखा था वैसे गाड़ी पे होटल का नाम, तो होटल की शटल होनी चाहिए, बट यू विल फाइंड आउट कि क्या होता है हमारे साथ। वी आर वेटिंग इंपेशेंटली, तो हमारी शटल आ रही है, नोवा। यस हमारी शटल आ गई है, वी विल गो, हाय, थैंक यू, नो वरीज, नो प्रॉब्लम, या and our bags are there only, yes the bags I left at the reception. Thank you. So my shuttle lagi aur bags nahi aaye to bhi puch liya maine, the bags were how many bags is four? Four. Yes. Okay, two big bag and two small ones. Yes. Aa gaye andar aur बैग्स भी आ गए, बैग्स खोल लिए एक्चुअली मैंने और पूरे हैंड में टाइट कर लिए, ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद वो आ गया था। या एंड वी आर टायर्ड विद द लॉन्गेस्ट फ्लाइट इन आवर एंटायर लाइफ, 11 आवर्स की,
फिर भी लंबी लंबी फ्लाइट होती है, हमारे लिए सबसे लॉन्गेस्ट थी। बट अब मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और हमारा साउथ अफ्रीका में ये है फर्स्ट डे। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, नॉर्मल सा ही ब्रेकफास्ट था, कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं था। और ये हमारा रूम है, बिल्कुल जैसे टिपिकल होटल्स होते हैं, एक बेड जिसपे मैं बैठी हूँ, ऑफकोर्स बाथरूम था, टीवी था, डेस्क वॉज देयर। और जो अनएक्सपेक्टेड था, विच इज मैंने शूज पहन लिए क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया जाने के लिए, विच इज दिस व्यू, वो सामने टेबल माउंटेन दिख रहा है। एंड वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि यहाँ पे टेबल माउंटेन का व्यू दिख जाएगा। और हम इतने होटल्स और सब कुछ ढूंढ रहे थे जहाँ से हमें अच्छा व्यू मिल जाए, और ये इस होटल में ही मिल गया, विच इज होटल वर्दे। इस होटल का नाम है होटल वर्दे और बहुत ही औसम है क्योंकि हमें सब कुछ अच्छा लगा, जैसे नॉर्मल होटल का होता है बिल्कुल वैसा, और एयरपोर्ट के पास है, दैट इज द बेस्ट। तो आप आए और रात में अगर जैसे फ्लाइट हो, जैसे हमारी थी, तो बेस्ट है नाइट यहाँ स्टे कर लें और उसके बाद कार रेंट पे ले लें, जैसे अभी हम जाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ और शुरू करते हैं ये जर्नी। अभी टाइम है, कार रेंट पे लेंगे, सिम लेंगे, तो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे दी एपिक रोड ट्रिप ऑफ साउथ अफ्रीका। चलो लेट्स पैक एवरीथिंग। पहुंच गए एयरपोर्ट और सबसे फर्स्ट काम किया है, सिम ले लिए हम लोगों ने, वोडाफोन की सिम ली। अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ वोडाफोन और MTN दोनों चलता है। MTN में ज़्यादा भीड़ है, ये लोकल है, और हमने वोडाफोन ले लिया है। और ये ऐसे डिफरेंट टाइप के पैकेजेस हैं इतने सारे, हमने 100 GB ले लिया है ताकि कोई कमी ना हो, क्योंकि एक ले लिया है और मैं दूसरा हॉटस्पॉट करेगा, क्योंकि अब मेरे फ़ोन में eSIM आता है और यहाँ eSIM नहीं लग सकता है, आपकी ऐसी फिजिकल सिम लगती है, तो मैं नहीं ले सकती थी। तो सौरभ ने लिया है और मैं हॉटस्पॉट यूज़ कर लूँगी। अराइवल से आओ जस्ट, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो जो डिफरेंस होगा वो होगा नेटवर्क का। न्यूज़ में आ रहा था MTN का नेटवर्क अच्छा नहीं है, वोडाफोन वाले दिखा रहे थे कि देखो अच्छा नहीं है, बट भीड़ MTN में ज़्यादा है। तो आपकी चॉइस है, आपको किसका लेना है, हमने वोडाफोन लिया है, दोनों प्राइस सेम है। लेट्स गो, अब लेते हैं कार रेंट पे, चलो चले। सिम ले लिया है, होपफुली अच्छे से चले। अभी कार रेंट से पहले थोड़ा कैश ले लेते हैं, ऐसे मोस्टली कार चल जाएगा ऐसा इन्फॉर्मेशन है, बट थोड़ा अगर कैश हो यहाँ का लोकल करेंसी विच इज़ साउथ अफ्रीकन रैंड, अगर वो होगा तो बेटर होगा। तो लेट्स टेक सम कैश, एक्सचेंज आर कैश, और यहाँ से कर रहे हैं ट्रैवल एक्स, जस्ट उसके आगे ही आएंगे एयरपोर्ट पे, केप टाउन पे, तो ये मिल जाएगा। तो हम लोगों ने ले लिया है साउथ अफ्रीकन रैंड, ऐसा दिखता है, नेल्सन मंडेला का पिक्चर है इसके ऊपर। और हम लोगों ने 300 यूरोस कैश में लाए थे, उसको कन्वर्ट करा लिया है। वैसे ऑफकोर्स एयरपोर्ट पे कराया तो एक्सपेंसिव है, अगर चेक करेंगे तो 17 समथिंग का मिलना चाहिए, 16 समथिंग का मिल रहा है, तो अराउंड 4000 कितना मिल रहा है, 4700 हमको मिला है 300 यूरोस का, 4700 साउथ अफ्रीकन रैंड्स। सो नाउ लेट्स कीप इट सेफ। और टिप तो यही है कि एक साथ सब नहीं रखना चाहिए, अलग अलग बैग्स में रखना चाहिए, तो वैसे ही अब हम लोग भी रखते हैं। अब एयरपोर्ट का सारा काम हो गया है, अब फाइनली जा रहे हैं हमारी कार लेने, जो कि हमने बुक कराई है सिक्स्ट। यस, हमने rentalcar.com से बुक कराई है और सिक्स्ट की मिली है हमें। और देखते हैं, सौरभ ने कार वैसे अच्छी बुक कराई है, बट अब कौन सी मिलती है वो तो डिपेंड ही करता है, क्योंकि सिमिलर कार्स मिलती हैं। तो चलो कार लेते हैं। सो दिस इज़ आर की, और ये हमारी कार है सुजुकी सियाज, और 400 यूरोस की है, फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर नाइन डेज 400 यूरोस की है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं जब कार रेंट का बनाते हैं, कि अब इसकी पिक्चर्स या वीडियोस ले लीजिए। सिमिलरली अभी हम वही ध्यान से इसका पिक्चर और वीडियोस ले लेंगे, ताकि रिटर्न जब करें वी आर सेफ ऑन आर साइड। लेट्स डू दैट। अंदर से कार कैसी है? वेरी सिंपल, GPS नहीं है, बट कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम लोगों ने
ले ली है सिम, और जिसके अंदर डेटा बहुत सारा लिया है. सो वी डोंट वरी अबाउट जीपीएस. उसी से मैप्स, गूगल मैप्स चलाएंगे और पूरा रास्ता आ जाएंगे. बैग्स, चार बैग्स थे हमारे पास, दो बड़े दो छोटे, वो पीछे आ गए, एक नहीं आ पाया तो एक यहाँ पे फिट कर लिया है. और काफ़ी लेग स्पेस है. सो दिस इज सुजुकी सियास. तो सब कुछ चेक कर लिया है, उस बंदे ने भी चेक कर लिया है. थोड़े थोड़े स्क्रैच मार्क्स है, बट वो बोला बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, 1000 किलोमीटर ही चली है. तो ये जब स्टिकर निकाला ना, उसके स्क्रैच हो गए. तो जिसने निकाला उसने अच्छे से नहीं निकाला. सो एवरीथिंग डन, सिम ले ली है, कैश ले लिया है, कार ले ली है, ऑल सेट फॉर द रोड ट्रिप. और हमारा फर्स्ट स्टॉप क्या होने वाला है वो देखना है आपको. तो देखना होगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो, जिसमें स्टार्ट होगी हमारी एपिक रोड ट्रिप. सो कीप ऑन वॉचिंग. और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं. दोनों का हैंडल लिख दिया है. अंदर से कार में बताना भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अंदर से कार जो है वो राइट हैंड ड्राइव है, इंडिया की तरह. तो हमारे लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा हो सकता है. बाकी तो इंडिया में हम लोग चलाते ही थे वैसे, तो ये भी आराम से चला लेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इंडिया से आ रहे हैं आप तो आसानी से आप कार चला सकते हैं. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का ज़रूरत होगा अगर इंडिया से आ रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ा विद आर यूरोपियन लाइसेंस. सो नाउ लेट्स गो. एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये साउथ अफ्रीका की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा. यू विल एन्जॉय इट एंड इंस्पायर एंड प्लान. बाय.